दोस्तों चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों मैंने अभी तक 100 प्लस से भी ज्यादा व्हाट्सएप अकाउंट नंबर को अनबैन करवा चुका हूं, वो भी एक हफ्ते के भीतर बिल्कुल फ्री में, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग मुझे ईमेल पे जो ना कांटेक्ट कर रहे, बार बार मैसेज कर रहे कि भाई मेरा व्हाट्सएप अकाउंट बैन हो चुका, तो इसे मैं दोबारा कैसे अनबैन कर सकूं। तो मैंने बहुत सारे व्हाट्सएप यूजर को मैंने हेल्प किया बिल्कुल फ्री में, तो मैंने सोचा था कि क्यों ना डेडिकेटेड एक वीडियो बनाया जाए। इस वीडियो के माध्यम से आपका भी व्हाट्सएप अकाउंट बैन हो गया होगा, चाहे किसी भी रीजन से हो, चाहे आपने व्हाट्सएप जीबी चला रहे होंगे, चाहे आपने कोई भी गलत एक्टिविटी किया जिस वजह से आपका व्हाट्सएप अकाउंट सस्पेंड हो गया होगा या बैन हो गया होगा ना, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ इस वीडियो को देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो है ना 2024 का खतरनाक खुफिया वर्किंग ट्रिक के बारे में बताऊंगा, वर्किंग खुफिया मेथड के बारे में बताऊंगा। अगर आप ये सभी ट्रिक आप यूज करते हो, अप्लाई करते हो ना, तो 2 से 3 घंटे के भीतर आपका व्हाट्सएप अकाउंट दोबारा अनबैन हो जाएगा, फिर से दोबारा व्हाट्सएप को आप चलाओगे, फिर से व्हाट्सएप को आप लॉग इन करके किसी से भी आप चैटिंग कर सकते हो। जी हाँ, तो अगर आपका भी व्हाट्सएप अकाउंट बैन हो चुका है ना, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, स्किप मत करना। आज का जो वीडियो ना काफी इंपॉर्टेंट और काफी कमाल का वीडियो बनने वाला है, जो आपको किसी ने भी ये ट्रिक के बारे में आपको नहीं बताया होगा, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग, वीडियो को पूरा देखना। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं कहता हूं वीडियो स्टार्ट में नाम सितारे और आप देख रहे हो टोगा यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आप सबसे पहले जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो ना, एक छोटी सी काम करना होगा, इस वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कीजिएगा, बिल्कुल फ्री होता है लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे सेट कर दीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करना, कमेंट के अंदर जो ना नाइस वीडियो, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो बस एक छोटी सी काम करने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले करना क्या होगा, आपके मोबाइल के अंदर जो व्हाट्सएप ऐप जो देख रहे हो ना, ये व्हाट्सएप ऐप को सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर के अपडेट कर लीजिएगा। जैसे अपडेट करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, इसे ओपन नहीं करना, यानी कि आप प्ले स्टोर में जाकर के आप अपडेट करोगे, मैंने ऑलरेडी अपडेट कर लिया, आपने अपडेट कर लिया, अपडेट करने के बाद दोस्तों आपको इसे ओपन नहीं करना, होल्ड करना होगा। जैसे आप होल्ड करोगे ना, तो यहां पे एक सेटिंग देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पे क्या लिखा हुआ, यहां पे ऐप, यहां पे लिखा होगा ऐप इन्फो, ऐप इन्फो के अंदर आपको जाना पड़ेगा। जैसे ऐप इन्फो के अंदर जाओगे ना, जाने के बाद दोस्तों यहां पे आपको मिल जाएगा स्टोरेज एंड कैच होगा, इस पर क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, यहां पे क्लियर, यहां पे स्टोरेज होगा और क्लियर कैच होगा, तो आपको क्लियर स्टोरेज पे आपको डिलीट करना होगा, ताकि आप जो ना इससे जो भी आपका कैच होगा, जिससे आपका व्हाट्सएप अनबैन होने में काफी ज्यादा मदद करेगा, हेल्प करेगा, तो इसे आपको सबसे पहले जो ना क्लियर आपको डेटा करना होगा, क्लियर कैच करना होगा। तो दोनों मैंने यहां पे क्लियर कैच कर दिया। जैसे क्लियर कैच करने का सिंपल, आपको बैक करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, व्हाट्सएप को दोबारा ऐप को ओपन कर लेना होगा। जैसे व्हाट्सएप को ओपन करोगे ना, तो यहां पे व्हाट्सएप बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, इसे जैसे ओपन करोगे ना, तो यहां पे एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा, यहां पे अलाउ कर देना होगा। जैसे अलाउ करने के बाद दोस्तों ये जो आप 3 डॉट देख रहे हैं, 3 डॉट पे आपको क्लिक करना होगा, यहां पे हेल्प के अंदर आपको जाना पड़ेगा। जैसे हेल्प के अंदर जाने के बाद दोस्तों यहां पे माय क्वेश्चन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे आपने जो आपका व्हाट्सएप अकाउंट बैन हो चुका, लॉग इन नहीं कर पा रहे हो, और आपका वो स्क्रीनशॉट आपने लिया है पहले से, तो आप यहां पे डाल सकते हो, आपने नहीं लिया तो कोई दिक्कत नहीं, यहां पे ऑप्शनल ही है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने स्क्रीनशॉट यहां पे मैंने लिया था, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पे मैं डाल देता हूं। तो जैसे यहां पे देख सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट को मैंने यहां पे अपलोड कर दिया, और जैसे अपलोड करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, यहां पे जो देख रहे हैं यहां पे लिखा डिस्क्राइब योर प्रॉब्लम, आपका व्हाट्सएप के अंदर क्या प्रॉब्लम है, यहां पे कुछ डिस्क्राइब करना होगा, यानी कि व्हाट्सएप टीम को आपको बताना पड़ेगा। तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या बताना है, क्या लिखना है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं यहां पे नोट को ओपन कर लेता हूं। मैंने यहां पे नोट के अंदर यहां पे मैंने लिखा हूं, जैसे कि आप देख रहे हो, और ये जो मैंने लिखा हूं व्हाट्सएप टीम को जो मैसेज करूंगा ना, इसका मैं आपको जो ना डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा नोट दे दूंगा, उसे कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हो। तो यहां पर क्या करूंगा, यहां पर पूरा का पूरा यहां पर क्या कर लेता हूं, यहां पर जो ना पूरा कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, कॉपी कर लिया मैंने। और कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको फिर से वापस से व्हाट्सएप ऐप को ओपन कर लेना होगा। जैसे ओपन करने के बाद दोस्तों यहां पे क्या करना, जो भी आपने नोट यहां पे लिखा था ना, आपने कॉपी किया, इसे आपको पेस्ट कर देना होगा। जैसे पेस्ट करने के बाद दोस्तों यहां पे 91 यहां पे XX दिख रहा है ना, तो ये मेरा मोबाइल नंबर, यानी कि आप अपना मोबाइल नंबर यहां पे डालना पड़ेगा। तो आप अपना मोबाइल नंबर यहां पे डाल करके, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो भी मैंने नोट लिखा था आपको सेम यहां पे नोट को आपको पेस्ट कर देना होगा। जैसे पेस्ट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे सर्च होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही सर्च होना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो यहां पे क्या लिखा हुआ, आंसर माय क्वेश्चन, इस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करने के बाद रीडायरेक्ट हो जाएगा ईमेल के अंदर, यानी कि दोस्तों यहां पे देख सकते हो, जो आपका व्हाट्सएप नंबर पे जो ना आपने ईमेल को रजिस्टर किया ना, वही ईमेल आईडी से जो ना यहां पे आपको डालना पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने वही ईमेल आईडी डाला। अगर आपने रजिस्टर किया था व्हाट्सएप अकाउंट पे, आप अपना ईमेल वो डाल सकते हैं, आपने नहीं डाला तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी ईमेल से आप कर सकते हैं, लेकिन रजिस्टर ईमेल से व्हाट्सएप टीम को आप कॉन्टैक्ट करोगे,
है, ये मैसेज को लिखोगे ना तो 2 से 3 घंटे के भीतर आपका व्हाट्सएप अकाउंट को रिस्टोर कर देगा, व्हाट्सएप नंबर को अनबैन कर देगा, दोबारा चालू कर देगा। तो यहां पे देख सकते हो मैंने पूरा मैसेज को भर दिया हूं, जैसे कि आप देख रहे हैं नंबर को मैंने यहां पे डाल दिया, जो एक्सेस था ना उसको हटा करके मैं अपना नंबर डाल दिया क्योंकि मेरा भी व्हाट्सएप नंबर यहां पे बंद था। बंद होने के बाद दोस्तों मैं क्या करूंगा, इसे मैं यस पे क्लिक कर देता हूं। जैसे यस पे क्लिक करने के बाद आपको जो ना आपको वेट करना होगा, 2 से 3 घंटा आपको वेट करना होगा। जैसे 2 से 3 घंटा वेट करोगे ना तो आपके ईमेल पे आएगा कि आपका व्हाट्सएप अकाउंट चालू हो गया, आप दोबारा आप व्हाट्सएप को जो ना लॉग इन कर सकते हो, व्हाट्सएप को आप यूज कर सकते हो, वो पुराना नंबर जो आपका व्हाट्सएप अकाउंट बैन हो गया था वही नंबर से आप दोबारा चालू कर सकते हो। 2 से 3 घंटे के भीतर आपका व्हाट्सएप अकाउंट चालू हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको इस वीडियो के अंदर सारा तरीका बता दिया जो 100% वर्किंग है, जो आप लोग को किसी ने भी नहीं बताया होगा, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। और इसी ट्रिक से जो ना मैंने काफी सारे व्हाट्सएप यूजर को मैंने हेल्प किया और काफी सारा व्हाट्सएप अकाउंट को जो ना अनबैन करवाया हूं। मैंने सोचा कि एक डेडिकेटेड वीडियो बना जाए ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को भी हेल्प मिल जाए। अगर आपको जो है ना इस वीडियो को देखने के बाद आपका व्हाट्सएप अकाउंट अनबैन हो जाए ना तो एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा, कॉमेंट करके जरूर बताना कि हाँ भाई मेरा व्हाट्सएप अकाउंट अनबैन हो जाएगा, तो और भी सारे लोग जो ना मोटिवेशन होगा और इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे और उसका भी हेल्प हो जाएगा और उसका भी व्हाट्सएप अकाउंट अनबैन हो जाएगा, चालू हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग, कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो चले, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल पे ऑल पे सेट करना। दोस्तों फिर मिलेंगे दोस्तों अपने ख्याल, टेक केयर एंड गुड बाय।